नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन करीब एक साल से जारी है, लेकिन किसानों की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। हालात ये हैं कि अब हरियाणा में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के हर कार्यक्रम का विरोध किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ से लाइव टेलीकास्ट को देखने के लिए पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर अपने लाव लश्कर के साथ हरियाणा के रोहतक पहुंचे थे, लेकिन किलोई गांव स्थित शिव मंदिर में लाइव टेलीकास्ट देखना मंत्री जी को भारी पड़ गया। किसानों ने मंदिर में लाइव कार्यक्रम देख रहे मंत्री जी को बंधक बना लिया। यहां किसानों ने मनीष ग्रोवर को 7 घंटे बंधक बनाए रखा। 7 घंटे के बाद मंत्री जी ने माफ़ी मांगी, जिसके बाद ये मामला सुलझ गया। वहीं स्थिति संभालने के लिए किलोई गांव में 3 जिले की पुलिस पहुंच गई थी। इन किसानों की मांग थी कि ग्रोवर किसानों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल के लिए माफ़ी मांगे। ग्रोवर को टिप्पणी पर खेद जताने के लिए उन्होंने 1/2 घंटे का वक्त दिया था। आखिरकार उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन विवाद खत्म होने के बाद मनीष ग्रोवर के तेवर बदल गए हैं। ग्रोवर का कहना है कि उन्होंने किसानों से माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि हाथ जोड़कर राम राम किया है। के दरबार में मत्था टेकने आया था और सारा दिन मैंने उनके आगे मत्था टेका, मेरा यही काम था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ के धाम पर देश के सभी जनता को, 130 करोड़ जनता को आज विश्वकर्मा डे के ऊपर, शंकर भोलो के चरणों में ऊपर सारा देश आज नमन कर रहा है। इसी उद्देश्य से हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। मत्था टेक कर समाज ने बुलाया था और समाज ने बुलाने के बाद भी हम मत्था टेक के अपने घर को जा रहे हैं। जो ये विवाद विरोध वाले कौन थे, ये तो वो बताएंगे किस लिए विरोध कर रहे थे, वो मुझे नहीं पता। वो बताएंगे जो विवाद, हम तो मत्था टेक रहे, लास्ट तक मत्था टेकते रहेंगे। जब जब शंकर भोला बुलाएगा तब तक आते रहेंगे। वो आपसे माफी की बात को लेकर, मैंने कोई माफी नहीं मांगी, राम राम किया। हमारे बुजुर्गों ने कहा राम राम कर दो, मैंने राम राम कर। इससे पहले नानोद के विश्वकर्मा धर्मशाला का शिलान्यास करने पहुंचे बीजेपी सांसद रामचंद्र जागड़ा का किसानों ने भारी विरोध किया था। विरोध के दौरान सांसद की गाड़ी का अगला शीशा टूट गया। विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस लाठीचार्ज में कई किसान घायल हुए और कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि ये गुस्सा इसलिए किसानों में था क्योंकि सांसद रामचंद्र जागड़ा ने उनके लिए लफंगा और दारूबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।